हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक स्लिंग बैग लेकर आई हूँ। और आज का स्लिंग बैग जो है थोड़ा डिफरेंट है, और उसके लिए मैंने यहाँ पर ये जीन्स का एक पीस लिया है, उसको क्विट कर लिया है। और इसका जो साइज़ है वो है हमारे पास 8x12 इंच। थोड़ा बड़े साइज़ में बनेगा, स्लिंग बैग बनेगा और कई पॉकेट बनेंगी। तो ये 8x12 इंच का हमने एक पीस ले लिया है, और 8x12 इंच की एक लाइनिंग ले ली है, और यहाँ 6x12 इंच का एक पीस और ले लिया है। तो पहले हम 6x12 इंच का जो पीस है, तो उसमें जो 12 इंच का एरिया है उसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक मशीन चला। को रेडी करने के बाद ये तीन आइटम हमारे हो गए। अब लेंगे हम 10 इंच की सिर्फ। ये हमारे पास एक 10 इंच की जिप है, और इसमें हम एक साइड में, ये हमारा 12 है, तो यहाँ पर इसका जिप की लेंथ को बढ़ाने के लिए, और जिप जीन्स का पीस है तो उस पर सिलाई हमारी अच्छे से हो, इसके लिए हम यहाँ पर जीन्स का एक सिंगल पीस लगा करके इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। तो अब इसमें एक रनर डाल देंगे, और दूसरे साइड भी जीन्स का एक पीस लगा करके इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे दूसरे साइड से। इसको कुछ हमने इस तरह से रेडी कर लिया। अब ये जिप हमारी रेडी हो गई। अब इन दोनों पीस को लेंगे, और जो सिलाई है उसको अंदर रखते हुए इसको तीन साइड से हम पैक कर देंगे। ये हमारी अभी बड़ी पॉकेट है, इसको हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सेंटर ले लेंगे। इस तरह से सेंटर ले लेंगे। सेंटर करने के बाद इसमें यहाँ पर बीच में 2 इंच का मार्क किधर लगाएंगे, 2 इंच का मार्क किधर लगाएंगे, 4 इंच का डिस्टेंस लेंगे। अब इस पर लाइन खींच लेंगे तरह से। ये हमने लाइन खींच, अब यहाँ से यहाँ लाएंगे सिलाई, डबल मशीन चलाएंगे छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे डबल मशीन चलाएंगे छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे डबल मशीन लगा के छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमको 2 लंबी पॉकेट मिलेंगी, और साइड में ये हमको अलग पॉकेट मिलेगी। ये जीन्स का पीस लेंगे, और यहाँ पर एक जिप, ये जो अभी हमने रेडी की थी उसको लेंगे। तो जिप को जिप से मिला करके यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये हमने सेंटर मार्क ले लिया। इस पीस को फोल्ड करेंगे, इसका भी सेंटर मार्क ले लेंगे, और जिप को जो सेंटर मार्क है जिप को यहाँ पर उल्टा रखते हुए यहाँ मिला देंगे, और यहाँ पर पहले एक पिन से इसको अटैच कर देंगे। ये हमने सेंटर पर अटैच कर दिया। अब इसके बाद इस पीस को लेंगे, जिप पर जो पॉकेट हमने अभी रेडी की है इसको अंदर रखते हुए इसके ऊपर इसके साथ अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। ये हमारी जिप लग गई, इधर से बाहर आएंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको रेडी करने के बाद
हम दूसरा जींस का क्विल्टेड पीस लेंगे, ये भी 8x12 इंच का है और इसमें हम ऊपर के साइड से जो ये 12 इंच है वहाँ से नीचे डाउन आएंगे, 2 इंच पर मार्क करेंगे और एक लाइन खींचेंगे। बिना लाइन खींचे कोई काम नहीं होगा, ये लाइन खींच लिया। अब ये 12 इंच है तो यहाँ पर हम 6 इंच पर एक सेंटर मार्क निकालेंगे, सेंटर मार्क को इस तरह से पूरी एक लाइन खींच लेंगे। ये हमारे पास लाइन हो गई। अब इस सेंटर से 3 इंच इधर मार्क करेंगे, 3 इंच इधर मार्क करेंगे, ये हमको 6 इंच का एक पीस मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद हम लेंगे 17 इंच का एक पीस। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा ही लिया है क्योंकि मुझे बताना रहता है, आप लोग भी बड़ा ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके सेंटर पे रखेंगे इस तरह से और इसको पलट देंगे आराम से। अब यहाँ पर हमें इसे पिन करना है, ऊपर के साइड में पिन कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने पिन लगाई है यहाँ से उसी मेजरमेंट को रखना है। मुझे तो इस लाइनिंग में दिखाई दे रहा है लेकिन आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, 2 इंच डाउन जाइए, पूरा एक लाइन खींच लीजिए क्योंकि हमें नीचे भी ज़रूरत है और इधर भी 2 इंच डाउन जा करके मार्क लगा लेते हैं इस तरह से और फिर वही 6 इंच का एरिया निकाल लेंगे, 3 इंच इधर, 3 इंच इधर। तो ये हमको यहाँ पर पीस मिल गया। अब ये जो हमने 6 इंच का एरिया निकाला है इसके साइड में बिल्कुल हमें मशीन चलानी है, जो लाइन खींची है उस पर मशीन नहीं चलाएंगे। इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। अब ये जो बीच में लाइन हमें दिखाई दे रही है जिसको हमने चौक से निशान लगाया था, इसको हम कट करेंगे, पिन निकाल देंगे, इसको कट करेंगे। लाइनिंग और जो जीन्स का पीस है दोनों हमारा कट होना चाहिए। जहाँ पर ये हमने मशीन घुमाई थी यहाँ पर हमें वी शेप में कट करना है इस तरह से, इस लाइन से मिलाते हुए इस तरह से कट करना है ये, और ये पूरी लाइन सीधी कटेगी। इसको कट कर लेते हैं। जो सिलाई की है वो नहीं कटनी चाहिए। इसको कट करने के बाद इसको हम बाहर निकाल देंगे। ये हमने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद इसको हम टाइट से खींचेंगे अच्छे से, लाइनिंग हमारे अंदर जानी चाहिए, खींचते जाएंगे और पिन लगाते जाएंगे। तो कपड़ा इसीलिए थोड़ा बड़ा लिया जाता है क्योंकि वो कट के फोल्ड होने के बाद थोड़ा सा श्रिंक होता है वहाँ पे। अब यहाँ पर हम इसमें चारों तरफ पाइपिंग लगाते जाएंगे इस तरह। पिन इतनी दूर पे लगाइए कि मशीन चलाते समय आपको पिन बीच में निकालना ना पड़े, मशीन आराम से चल जाए। अब यहाँ पर ये हमने एक पॉकेट की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम 6 इंच की जिप लेंगे, इसमें भी जिप की लेंथ को हम थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि जीन्स का कपड़ा है और बहुत ज़्यादा फिर मोटा हो जाता है। इसमें हम इसकी भी लेंथ बढ़ा लेते हैं और फिर एक रनर डाल के दूसरी तरफ भी लेंथ के लिए दूसरा पीस लगा देते हैं। अब इसको हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर
बैक साइड में आएंगे, जिप को बीचों बीच में रखेंगे इस तरह से, और इधर से चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा जीन्स का हल्का सा पार्ट दोनों तरफ दिखाई देना चाहिए। जो हमने ये पीस लगाया है ये पार्ट हमें अंदर से दिखना चाहिए, इसमें लुकिंग भी आएगी और ये सुंदर भी दिखेगा, और रनर को इधर से बाहर दिखना चाहिए। इस तरह से इसको हम सेट करेंगे और ऊपर से ही इसको सिलना शुरू करेंगे। तो ये जो जीन्स का पीस है इस ये अपनी जगह टिका है, तो जीन्स को पकड़ के एक पिन यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरह से, और जो ये पिन लगी है इसको खोल के इसके साथ अटैच कर देंगे। कुछ इस तरह से ये दिखाई देना चाहिए। अब हम यहाँ पर जो जिप है उसको यहाँ पर अटैच करेंगे, और एकदम जो अभी हमने पॉकेट के लिए जगह बनाई काटी है उसके उसके एकदम दाब मशीन देते हुए हमें चलाना है, जिससे कि फिनिशिंग हमारी अच्छी रहे। ये हमारी एक जिप लग गई। अब ये पिन है हम सब निकाल देंगे, ये कुछ इस तरह से अटैच हो गई। अब ये जितना एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ पर, इसके बाद इसको पूरा ऊपर उठाएंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और ये मैंने कपड़ा बढ़ा के लिया था, 17 इंच लिया था, तो 17 इंच थोड़ा जानबूझ के मैंने लिया। आप लोग भी, मैं मेजरमेंट 17 ही बताऊंगी, इसलिए क्योंकि सिलते समय कोई भी पीस छोटा बड़ा ना हो, तभी हम ऊपर से इसके बाद इसको पैक करें। अब जितना अभी बढ़ा हुआ कपड़ा है जो मैं बना रही हूँ उसी हिसाब वही मेजरमेंट मैं आप लोगों को भी दूंगी, और जैसे जैसे मैं कटिंग बाद में बताऊंगी उसको कट करके निकाल देना है। तो कपड़ा बढ़ा के ही लेना है। अब हमारी ये एक पॉकेट रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस पीस को जो पॉकेट बनाया है इसको यहाँ पर ऊपर पिन से उलट के पूरा अटैच कर देंगे। यहाँ पीछे इसके भी हमें कुछ, ये जो लाइनिंग का पीस है ये नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ पर पूरा अटैच कर देंगे, जैसे कि ये हमको परेशान ना करे। अब दूसरा मेजरमेंट करेंगे ऊपर से, फिर 4 इंच डाउन जाएंगे, ऊपर से ही मेजरमेंट लेंगे, 4 इंच डाउन जाएंगे इस तरह से, एक लाइन खींचेंगे, पूरी लाइन खींचेंगे। अब ये जो सेंटर है सेंटर से 4 इंच इधर निशान लगाएंगे, 4 इंच इधर निशान लगाएंगे, ये हमको 8 इंच का निशान यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर में एक जिप लेंगे, जिप का जो साइज़ है यहाँ पर वो मैंने 8 इंच लिया है, सिलाई में निकल जाएगा, और इसमें भी हम साइड में पहले कपड़ा लगा के इसको रेडी कर लेते हैं, और एक रनर डाल देंगे, रनर डाल के फिर से इसकी लेंथ बढ़ा देंगे। इसको भी रेडी कर लिया, इसको रेडी कर लिया, इसको रख देते हैं अलग। अब फिर से हम एक लाइनिंग का पीस लेंगे और ऊपर से ही इसी 12 इंच से ही इसको मिलाते हुए यहाँ पर पिन कर देंगे, यहाँ पर ऊपर की साइड में इसको हम पिन कर देते हैं, ये हिलेगा नहीं। अब उस 8 इंच के निशान को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। मुझे दिख रहा है आप लोग 4 इंच नाप करके सेंटर निकाल के फिर 4 से 4 8 इंच का डिस्टेंस लेके एक लाइन इस तरह से खींच लीजिए, और फिर इसमें हम इसके किनारे किनारे मशीन चलाएंगे। ध्यान रहे ये कपड़ा आपका एकदम अलग होना चाहिए। अब चलिए इसको भी सिल देते हैं। ये
दिया और इसमें भी उसी तरह से यहाँ पर वी कट देंगे, यहाँ पर वी कट देंगे और इसको बीच वाला सीधा जो चौक से लाइन खींची है उसको सीधा कट कर देंगे। इसको फोल्ड करेंगे। सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। अब इसको भी ये पिन हटा देते हैं, इसको बाहर निकालेंगे। ये यहाँ पर सेपरेट दिखाई दे रहा है, ये पॉकेट हमारी अभी अलग है। अब इसी तरह से इसमें भी हम जो दूसरी जिप हमने अभी रेडी की है उसको भी लगा देंगे। जिप का पार्ट इस तरह से रखेंगे और रनर हमारे एक ही साइड में होने चाहिए, जिधर एक जा रहा है उसी तरह से होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जीन्स का पीस हमको इसमें दिखना चाहिए जो अंदर हमने बेल्ट जिप को बढ़ाने के लिए लगाया था, इस तरह से। अब इसको भी यहाँ पर हम पिन कर लेते हैं। अब इसको ऊपर से जैसे इसको जोड़ा था इसी तरह से सेम पैटर्न पे इसको भी हम जोड़ देंगे। चलिए ले लेते हैं। ये हमारी दूसरी जिप्पी लग गई, जो जिप्पी है उसको हम वापस निकाल लेते हैं। यहाँ से इस पीस को मोड़ेंगे इतना, इसको मोड़ दिया। अब ये पीस इतना हमारा बढ़ रहा है तो पहले से हम छोटा पीस नहीं ले सकते क्योंकि हमको नहीं पता कि दबाव में कितना चला जाएगा, तो रिस्क लेने से अच्छा है थोड़ा सा बड़ा पीस ही लिया जाए। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से मोड़ते हुए ये हमने मोड़ लिया और इसको यहाँ ये जो बढ़े हुए पीस हैं इन दोनों को थोड़ा सा मार्जिन देके कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। अब ये दोनों पीस जो अभी दूसरी पॉकेट बनाई है उसका ये ऊपर का हिस्सा और ये हिस्सा इस जिप को कवर करते हैं। पहले इसको हम यहाँ पर सिल देंगे। इस तरह से अटैच कर देंगे। अब इसको नीचे की तरफ लाएंगे इस तरह से। ये हमारा जो अभी दूसरी पॉकेट बनाई थी उसका फैब्रिक है और ये जो पहले पॉकेट बनाई थी ये उसका फैब्रिक है। अब इन दोनों को नीचे डाउन इस तरह से नीचे डाउन करते हुए एक पॉकेट ये वाली और एक पॉकेट ये वाली जो ऊपर लगी है। अब दोनों की पॉकेट को नीचे रखते हुए इस तरह से बराबर रखते हुए इसको इसके नीचे डालते हुए यहाँ पर इसके ऊपर इसको प्रेस करके रखते हुए यहाँ पकड़ लेंगे, सीधा करेंगे और यहाँ से इसको पूरा पैक कर लेंगे। जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। ये हमारी दो पॉकेट रेडी हो गई एकदम सेपरेट सेपरेट, एक हमको इतनी बड़ी मिल गई और एक काफ़ी बड़ी मिल गई। इस तरह से दो पॉकेट हमको यहाँ पर मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम जो पहला पीस हमने बनाया था उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको सिल देंगे। तो जो जिप का फैब्रिक है वो थोड़ा हमारा बाहर के साइड रहेगा। अब यहाँ पर जो जिप का फैब्रिक बाहर हमने किया है इसको पलटते हुए दाब मशीन चला देंगे, नीचे रनर वगैरह हटाते जाना है। अब ये यहाँ पर हमारी
जिप भी लग गई और हमको यहाँ पे जींस का पीस भी मिल गया, जिप हमारी सुरक्षित हो गई और आपको वहाँ सिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है कि ये जो पॉकेट वाला पीस है इसको भी हम तीन साइड से पैक कर लेंगे। अब इसको हमने कुछ इस तरह से रेडी कर दिया। इसको रेडी करने के बाद यहाँ पर हमने ये 50 इंच की बेल्ट ली है, ये भी जींस की है। इसको भी 3 इंच मैंने इसकी चौड़ी पट्टी काटी थी और इसको इस तरह से रेडी कर लिया था। अब ये तो जींस का कपड़ा है, इसको यहाँ बीच में रखते हुए दोनों साइड में हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। और अब हमने इसको कुछ इस तरह से रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है कि बैग को पैक करना है। तो अब यहाँ पर ये इतनी मोटी बेल्ट लगी है और यहाँ पर भी जीन्स है, यहाँ भी जीन्स है, यहाँ भी जीन्स, तो सिलने में दिक्कत आएगी। हम क्या करेंगे, इस बैग की सुंदरता बनी रहे क्योंकि ये हमारा फ्रंट होने वाला है, ये हमारा बैक होने वाला है। इस बेल्ट को बैक साइड में ही रखेंगे, इस तरह से फ्लैट करके रखना है, बिल्कुल जिसके बराबर में इस तरह से फ्लैट करके रखेंगे। और यहाँ पर कंट्रास्ट कलर में मैंने एक सिंथेटिक कपड़ा लिया है, उसकी हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। तो पाइपिंग पतले कपड़े की इसलिए चढ़ाएंगे क्योंकि अगर जीन्स की ही हम पाइपिंग चढ़ाएंगे तो सुई टूटने का डर है और चोट लगने का भी डर है। तो यहाँ पर लॉक सिस्टम दे देंगे, कंट्रास्ट कलर ले लेंगे और उसको यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलते हुए बेल्ट को यहाँ से इस तरह से फ्लैट करके नीचे की तरफ डाउन करते हुए यहाँ पर भी लॉक सिस्टम पाइपिंग डाल के चारों तरफ कम्प्लीट कर देंगे। यहाँ थोड़ा सिलने में दिक्कत आ सकती है, इसका ध्यान रखें। और ये हमारा साइड बैग रेडी हो गया। एक पॉकेट हमने यहाँ दे दी, इसमें आपका मोबाइल बहुत आसानी से आ जाएगा, काफ़ी दूर तक चार्जिंग वगैरह भी आ जाएगी। पूरी स्पेस दिए हैं हमने और बिल्कुल सेपरेट है। और एक पॉकेट हमारी ये है, इसमें भी आपका मोबाइल वगैरह आ जाएगा, पर्स वगैरह जो भी आप रखना चाहें, चाबी वगैरह। और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी गहरी है, ये गहरी है। तो आप तो दो पॉकेट हमने बाहर दे दी और एक पॉकेट हमने यहाँ पर दे दी ये, और इसके अंदर ये कार्ड रखने का स्पेस भी दे दिया है, ये देखिए। और ये बीच में जो छोटी पॉकेट हमने बनवाई थी, इसमें आप अपनी पेन वगैरह भी रख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये इस तरह का आज हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉकेट का एक स्लिम बैग रेडी किया है। और ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही आसानी से बनने वाला है, बहुत कठिन नहीं है। जो बहनें सिलाई करती हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन वाले बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।